फैमिली के सन बार राधे राधे। तो आज है 2 फरवरी और दिन कौन सा है, बुधवार, और मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो आज सुबह से बहुत काम कर लिए, मतलब साफ सफाई में जुट गए, फिर करते ही गए, और क्योंकि बाल धोने थे तो मैं बाल धोने वाले दिन जरूर क्लीनिंग का काम करती हूँ, क्योंकि सब सिर पे आ जाता है ना, धूल वूल और जाले झाड़ू ये सब, तो फिर उस दिन ठीक रहता है। तो फिर जब करने लग जाओ साफ सफाई में तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ये भी कर लो लगता है, वो भी कर लो मन लग जाता है एकदम। तो सारा करी, हाँ वीडियो नहीं बनाया, वो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है कि मतलब कूड़ा करकट हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता मुझे। और फिर बाथरूम वगैरह भी क्लीन किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और सच में मतलब सोचा था कि जब हेयर वॉश करूँगी तो धूप में चली जाऊँगी, लेकिन धूप पूरी तरीके से जा चुकी है। अभी टाइम तो है, दोपहर हो रखी है, लेकिन बादल हो रखे हैं, तो कल परसों में बारिश भी दिखा रहा है, तो इसलिए धूप तो चली गई है, रजाई के अंदर ही आ गई हूँ। बाल देखो कैसे सूखते हैं, इसी ऐसे में सर्दी वर्दी का डर लग जाता है मुझे कि सर्दी ना हो जाए, लेकिन अब धोने ही थे कल, क्योंकि ऑयलिंग करी थी बालों में, तो चंपू जैसे हो रखे थे हम। और कल पहले सोचा था कि वीडियो नहीं बनाते हैं, बाल वाल में तेल लगा लो तो थोड़ा सही नहीं लगता, लेकिन हमने कहा ऐसे होगा तो फिर एक ना एक कोई बहाना होता ही रहता कि आज नहीं बनाते कल नहीं बनाते, तो फिर मैं बना ली वीडियो कल का भी और आज भी बना ली हूँ। तो आज भी लेट ही शुरू किया है क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम हो गया था, पूरा झाड़ना ये सब जो होता है ना, किसके मतलब लोने वाला जो घर हो जाता है ना, वो बहुत दिक्कत करता है, सारा बारिश से पूरा फूल गया है पूरा, तो उसको बहुत झाड़ना साफ करना पड़ता है, जाले वगैरह भी थोड़ा बहुत, जाले तो इतना ज़्यादा नहीं हो रखे तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, लेकिन ये सब झाड़ एकदम लटकने लगा था, ये सब पेंटिंग वगैरह उसको सब झाड़ा, तो फिर बहुत सारा हो गया, क्लीन किया, ड्रॉर वगैरह भी थोड़े बहुत क्लीन किए। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए, आगे भी बनाते हैं, और मैं कर लेती हूँ अपना एडिटिंग का काम क्योंकि उसमें भी 2 घंटे लगने हैं, और देखते हैं अभी बहुत, 2 किलो तक मटर रखी, वो छीलने मतलब काम तो भरमार है, अभी प्रेस करना बाकी है, लेकिन पहले एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेस का क्या है कि अगर मान लो 4-6 कपड़े भी कर लिए तो हो जाएगा, फिर कल कर लूँगी, सोचा तो था कि अच्छे से करूँगी, आज पूरे कपड़े निपटाने हैं, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे, धुल दिया था उस दिन, तो कपड़े तब से प्रेस नहीं किए अभी, तो प्रेस भी करना है और मटर भी छीलनी है, गाजर भी रखी है, हलवा भी बनाना है, तो देखो कौन कौन से काम कर पाते हैं, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग का काम करना है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एडिटिंग में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। फिर देखती हूँ शाम की तैयारी खाने पीने की, और 6 बजे अनुआ जाएंगे तो फिर नाश्ता भी बनाना होगा कुछ ना कुछ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए आज का रूटीन क्या क्या होता है। तो बस नहीं रह गया था, थोड़ी सी वीडियो बना ली थी ऐसे ही एक हाथ से पकड़ के मोबाइल, और ये ड्रॉर वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं, इसमें हाथ भी नहीं जाता ना, झाड़ू वगैरह भी नहीं जाती है सही से, और चूहिया एक आ जाती है तो वो कबाड़ा कर देती है, और नीचे मतलब जो काम का सामान नहीं रहता वही रखते हैं नीचे वाले ड्रॉर में, तो वो खुतर खुतर के सब इकट्ठा कर देती है, और हाथ भी ढंग से नहीं पहुँचता है, और ये सब झड़ जाता है ना, जो लेने वाला घर होता है ये सब, तो वो भी सब झाड़ लिए साफ कर रहे हैं। और अभी हो चुकी है शाम, तो शाम में मेरा यही रहता है कि जो बर्तन वगैरह धुल के रखते हैं वो सेट करने रहते हैं, और शाम के लिए कुछ ना कुछ जो नाश्ता बनाते हैं, जैसे अनु 6 बजे आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता बनाते हैं, तो उसकी तैयारी करनी होती है, और फिर अगर टाइम बचता है तो काम तब तक करते रहते हैं। तो अभी हम आ गए हैं किचन में, और सब सोचते होंगे यार जब देवघर अगर किचन में ही बनी रहती है क्या करूँ, मुझे किचन से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो मैंने सूजी भिगो दी है क्योंकि आज हम बनाएंगे अप्पे, तो उसके लिए मतलब सूजी पहले से भीगी होनी चाहिए, फूल जानी चाहिए, तो अनु के जब तक आने का टाइम होगा तब तक अच्छे से सेट हो जाएगी, तो हम इसमें सब्जियाँ मिलाकर अप्पे बनाएंगे, तब तक हम बाकी काम निपटा लेते हैं। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज की, मैंने अपलोडिंग पे वीडियो लगा दी है, तो शाम 6 बजे तक अपलोड हो जाएगी और मैं पब्लिश कर दूँगी, तो फिर टाइम बाद मैंने सूखा सिंदूर डाला है, मतलब नहीं लगा पा रहा कुछ भी, आज हमने कहा ट्राई करते हैं, क्योंकि लिपस्टिक से अब दिक्कत नहीं हो रही, बहुत खुशी मिल रही है। वैसे मुझे सर्दियों में कम दिक्कत होती है, मुझे गर्मियों में ज़्यादा एलर्जी हो जाती है हर चीज़ों से, तो देखते हैं तय करते हैं, क्योंकि लिपस्टिक से अभी तक सिंदूर लगा ले रहे थे तो खुजली हो रही थी, लेकिन आज हमने सूखा सिंदूर डाला है, तो देखते हैं खुजली होनी अगर शुरू होगी तो फिर वहाँ बिठाना पड़ता है। तो चलिए आज अप्पे बनाने का टर्न आ गया, बहुत टाइम बाद बनाने जा रहे हैं, हेल्दी बहुत होता है, टेस्टी भी बहुत होता है, थोड़ी बहुत ओवर ईटिंग भी, मतलब ओवर ईटिंग मतलब यहाँ तक पेट तक ही रहे यहाँ तक ना जाए तो ओवर ईटिंग भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा,
तो चलिए, तो कोई ज़्यादा काम और नहीं हो पाया, मटर छीलने को भी बाकी रह गया है और प्रेस करने का भी टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो जाते हैं दो चार कपड़े कर देते हैं तो कल ऑफिस के लिए हो जाएंगे उन लोगों को। तो पैंट शर्ट तो हो रखी हैं, पैंट ख़त्म हो गई हैं तो कर दे जाके, फिर कल बाकी करेंगे। कल बारिश हो बता रहा है तो देखो लाइट भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यार। दिन में थोड़ा टेम्परेचर ठीक था, इतना ज़्यादा ठंड होने लगे हाथ पैर एकदम गलने लग गए, वैसे ही ठंड होने लगी। और कल परसों में बहुत टेम्परेचर लो होने वाला है, तो आज मैंने काफ़ी काम वैसे निपटा लिए, थोड़ा घर सेट रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो चलते हैं। तो सूजी वगैरह भिगो दी थी, किचन का काम अभी नहीं है, तो हमने कहा चलो प्रेस करके रख देते हैं। तो पैंट वैंट आज कर रखी है, पैंट तो जल्दी हो जाती है, तो आधे घंटे टाइम बचा था, तो हमने कहा चलो चार पांच पैंट कर देते हैं, फिर शर्ट अगर दे दिन करेंगे। क्योंकि शर्ट अभी हो रखी है, तब तक टाइम हो जाएगा। आठ दस दिन का मतलब सब्जी क्या लगा। तो अनु ऑफिस से आ गए, चेंज वगैरह कर रहे हैं, और मैं भी टिफिन विफिन निकाल के सिंक में रख देती हूँ, पूरे दिन का बंद रहता है एकदम, और फिर बना लेते हैं चाय नाश्ता का। अनु बोले आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, अब समझ में नहीं आ रहा कि तारीफ है या बेइज्जती। तो सबसे पहले पानी गर्म करके देती हूँ पीने के लिए, कुछ ना कुछ खा के पानी पीते हैं, फिर चाय चढ़ा देते हैं। और सब्जी में आज हम बनाएंगे बीन्स, बहुत ही हेल्दी होती है, और भुजिया टाइप बनाते हैं हम, तो चाय के साथ में हम ब्रेड वगैरह ही सेक कर दे देंगे और टोस्ट, क्योंकि अप्पे के साथ चाय का कुछ वो नहीं रहेगा, तो बाद में बनाएंगे। तो अनु आज अपनी जगह भी चेंज कर दी, अपनी ड्रेस भी रजाई में नहीं बैठा, क्या बात है, ठंड तो हो रही है लेकिन। तो चाय वगैरह तो हमारी हो गई है, लेकिन अप्पे की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जियाँ इसमें बहुत आ रखी है ना, हरी हरी और कई वैरायटी की, और सबसे पहले चटनी बना कर रख देते हैं, क्योंकि मिक्सी की चटनी ना तुरंत पीस करनी अच्छी लगती है, और रुक रुक के पीसो तो टेस्ट अच्छा ही रहता है, सिलबट्टे जैसा ही हो जाता है। तो सब्जी हमने बहुत सारी बारीक कट कर ली है, गोभी हो गई हाँ, और सूजी हमारी सेट हो गई, तो उसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। आधे घंटे पहले भी वो कर रख दो तो अच्छे से सेट हो जाती है। और सब्जी में ले ली है गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज, और थोड़ा सोडा और काली मिर्च का पाउडर, और दही, और थोड़ी सी मटर तो मिक्स कर लेते हैं, एक छोटी चम्मच जीरा मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई तो हो तो ज़्यादा अच्छा, फिर दही मिक्स कर लिया है, एक चुटकी सोडा, काली मिर्च एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी सब सब्जियां मिला दो, और हरी मटर, तो सब्जियां आज कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, और हरी धनिया, लेकिन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, जो डाइटिंग पे है वो भी खा सकते हैं। ऐसे अब पे हमेशा झटपट बन जाते हैं, आज तो बहुत टाइम लग गया, सब्जियां बहुत भर भर के डाली है ना, वो तो शुक्र है कि आज सबके फोन आ गए, मतलब कभी कभी होता कोई नहीं करता, आज सबने कॉल कर दिया, तो दो तीन जगह से आ गया, और बात करते करते कब तैयारी हो गई पता ही नहीं चलता है। तो ये बेस्ट आइडिया है ना, जब आप काम कर रहे हो तो किसी ना किसी को फोन मिला लो। लेकिन ये है कि शूट नहीं कर पाया वीडियो, क्योंकि मैं मोबाइल से ही करती हूँ, तो सब दिखा नहीं पाया कटिंग वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं, सब्जी तो काटना सबको आता है ना, तो बारीक चॉप्ड कर लो या हाथ से ही कट कर लो, चॉपर हो तो और बढ़िया है, चॉपर मंगा लूंगी मैं वैसे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है यार सब्जी वब्जियाँ काटने में, छोटी छोटी काटो बहुत सारी हो गई। तो सारी तैयारी हो गई, अब बना लेते हैं चाय के साथ नाश्ता, कुछ ना कुछ बना लिया था तो इतने इसलिए वो नहीं हुआ, हड़बड़ की भूख लगी है, क्योंकि 6 बजे अनुआता है बहुत तेज इनको भूख लगती है, एकदम जल्दी झटपट बनने वाला चाहिए होता है, तो ये झटपट ही बन जाता है, लेकिन सब्जियाँ बहुत सारी डालनी थी इसलिए टाइम लग गया। और फिर बात करते जाओ तो वैसे भी तो आधा ध्यान बात में रहता है, आधा ध्यान काम पे रहता है, तो बना लेते हैं जल्दी से। तो चटनी को हमने जार से हटा लिया है, और टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च की चटनी है, और अप्पे स्टैंड ले लेंगे, अगर अप्पे स्टैंड ना हो तो ऐसे तवे पे भी बना सकते हैं, बड़े छोटे छोटे से ऐसे चीले टाइप, तो वो भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि अप्पे स्टैंड हो, लेकिन हाँ अप्पे स्टैंड में अच्छे से पक जाते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं एकदम गोलू गोलू से। तो सब 12 खसाचे होते हैं, सब में हम लगा देंगे और उलट पुलट कर सेकते रहेंगे, क्योंकि बीच में फ्लेम ऑन रहता है ना तो ज़्यादा आँच लगती रहती है, किनारे किनारे से फिर रह जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे और बस पलट लेंगे। तो इसके साथ में एक हमें लकड़ी का वो उलटने पुलटने वाला मिलता है, लेकिन हम चम्मच से हमको ज़्यादा सही रहता है, वो वैसे भी पता नहीं कहाँ रखा होगा। तो बन गए हैं अप्पे, और हमने केले के पत्ते जैसे वो ट्रे ना उसमें लगा दिया, क्योंकि थोड़ा साउथ इंडियन डिश है तो वैसा लुक देना चाह रहे थे, और हरी चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। टोमेटो सॉस भी रख दिया है, लेकिन उससे मुझे उतना पसंद नहीं है, तो दूसरी बार भी निकालेंगे ऐसे ही, और ये वाला हम दे आएंगे अंकल के यहाँ। क्या बात है, ज़्यादा सर्दी होने लग गई क्या? ओहो,
क्या बना, क्या थाली बड़ा कर दी? में कौन खाता है? अरे वो थोड़ा साउथ इंडियन लुक देना था ना उसको। आप पे वहाँ की डिश है ना। वही सोच रहा था कि आपके बाद छोटी ट्रे लाएंगे, यही केले वाली है ना। तो जब तक अप्पे बन रहे थे, सब्जियां भी छांट कर हमने रख ली हैं, क्योंकि बाद में फिर इतनी हिम्मत नहीं बचती है, तो जल्दी से सब काट पीट कर बना लेंगे। और ये वाला हम देंगे अंकल को, मन नहीं मानता है, बाकी तो अंकल की बहू आ रही है, वो भी बनाती ही होगी। दिख रही है लेकिन वो आज झांकने को बेताब है। आलू बीन्स की सब्जी बना रहे हैं, प्याज कट करके ले रहा, थोड़ा लहसुन, मैं साबुत लहसुन इसमें डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा छिला हुआ रखा था तो हमने कचलो ये भी डाल देते हैं। तो बस जीरा और प्याज से तड़का लगा दिया है, बाकी थोड़े से मसाले डाल दिए, साबुत लहसुन डाल दिया, वो बहुत टेस्टी लगता है। और बीच में बाद में जब थोड़ा पक गया तो टमाटर ऐड कर दिए हैं। और हम लोग देख रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी, चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी, बहुत ही कॉमेडी वाली है ना, वैसे भी मूवी देखना बहुत पसंद है मुझे। तो चलिए आज के व्लॉग के यहीं पर कर देते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी मेरे व्लॉग में आ जाए या फिर ये लास्ट में? कौन से व्लॉग में हम नहीं रहते हैं? वो तो जबरदस्ती थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ चलो लास्ट में बाय बाय कर लो, हाय के पैसे रहते हैं। कुछ भी हो, ठंड भले ज्यादा हो, लेकिन सब्जियां खिलाने बनाने का मजा तो सर्दियों में ही है ना। मौसम है बड़ा खतल, तू भी हो गया तुम्हारा पोपट ले, सर हो गया। आ मैं तो डर गई। आ कांदा सा खून निकाल दिया कच्चा बादाम ने, हमको लगा कच्चा बादाम कौन सा होता है, इसको भी बोलते हैं कच्चा बादाम। टा 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 टा